कुछ कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, पता नहीं कैसे फरिश्ता बन के टाइप के आ जाते हैं। आया तो था वैसे ही नॉर्मली, अब एकदम से बारिश चालू हो गई। ओहो, यमी यमी। अभी अभी क्लास लगा दिया है जो कि ना मेरे जॉर्जिया से ऑनलाइन क्लास लगी है। गुड मॉर्निंग सेकंड, यस हाई फाई। हाई फाई हो गया। राधे राधे, शेक हैंड, हाई फाई, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, 3rd of September। सो आज मेरा कल एक क्लास हो चुका है और आज सेकंड क्लास है। सुबह से उठ के मैं और बेला बहुत मस्ती कर रहे हैं और मम्मी अभी बिस्तर ठीक कर रही है। वैसे बेला हमारी बहुत अच्छी है, मगर बेला को एक बार अगर बोल दिया बाहर चलेगी, बस उसके बाद से ये देखो, मैंने बस इस वीडियो में बोला ये देखो आ गई। बाहर चलेगी इनके नाम से, बहुत ये बाहर जाने के लिए उतावला रहती है हमेशा। अबे यार, रास्ते से कोई जा भी नहीं पाएगा क्या इसके लिए? हाँ, क्या हुआ? कोई नहीं जा पाएगा। चलो शेक हैंड, यस हाई फाइव, यस सल्यूट, यस। तुमने इतना कुछ किया है, तुम्हारे लिए कुछ खाना है। चलो मैं लेके आता हूँ। यह है बेला का अपना बिस्किट जो कि ना कॉम्प्लान के बॉटल में रखा जाता है, और ये बेला इतना मन से खाते है, क्या ही बोले। और इसको भी अगर मैं इसको दूं तब भी खाएगी, तो इसको नो बोल के रख दूं, नो बेला देखो नहीं खाएगी। ये तो कब का है ना, बचपन से बेला का ये सीन है। चलो खा लो हैबिट, ये देखो फिर खाती है तो बहुत प्यारी। देखो इसको, ये वाला जो फूड है ये है इसका डॉग फूड बिस्किट, इसको इसके अंदर रख के बोल दूंगा नो। ये देखो इसमें रख दिया बेला नो, तब तक वो देखेगी भी तक नहीं, उसके पैरों में उंगलियों में रखा हुआ है फिर भी नहीं देखेगी। जब इसको थोड़ा सा भी कमांड दे दो बेला खा ले हैबिट, ये देखो तब खाएगी। आज खाने में क्या बन रहा है? क्या सब्जी और झाल पनीर नहीं भी बना हुआ। है, फिश है, माछे झोल। माछे झोल, माछे झाल, दो अलग अलग। बहुत दिन हो गया पार्ले जी बिस्किट को ऐसे पानी में डुबो के नहीं खाए। अगर आपको पता होगा कि पार्ले जी बिस्किट को पानी में डुबो के खाने में जो मजा है ना, तो आप कभी मिस नहीं करना चाहोगे। मैं तो अभी देखो बिस्किट के लिए पानी भी ले आया और ग्लास भी ले आया, क्योंकि मेरे को बहुत दिन हो गया इसमें ऐसा करके पिया नहीं, इसलिए पीने का मन तो कर रहा है। आज का व्लॉग सुबह से लेके बस खाने पीने पे जा रहा है, बेलू का मेरे का। ओह, ये सारे बिस्किट कैसे खोल लो और एक एक करके खाते जाओ, और बिंज वॉचिंग पे कुछ ना कुछ लगा के रखो। तो मैंने कुछ तो ऐसे कुछ नहीं लगाया, एक वीडियो है उसी को एडिट करने लगाया, तो खाने खाना खाते खाते ये वीडियो थोड़ा एडिट हो जाएगी और थोड़ा बहुत मेरे काम भी आगे जाएगा। तो मम्मी ने बना दिए, देखो क्या खूबसूरत बनी। ये है फिश माचर झोल। सो ये देखो यहाँ पे मिर्ची डाल के प्रेजेंटेशन करके दिया है, और इसके जब खाएंगे ना, ओफ हो स्मेल इसकी, जो लोग फिश लवर है उनको पता चल गया हो कितना मस्त बना है। ओफ हो यमी यमी। अभी अभी क्लास लगा दिया है जो कि ना मेरे जॉर्जिया से ऑनलाइन क्लास लगी है। फिर उन्होंने लिंक भेजा, फिर मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ और दिखा रहा है कि आस्किंग टू बी लेट इन, मतलब सर को पूछना पड़ेगा सर तक, उसके बाद ही। अभी देखो 13 मिनट पहले ये लिंक आया, मगर अभी तक इन्होंने सर ने हमारे ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर बोलते कि इस बच्चे आते नहीं है। उसके बाद अभी क्लास हुआ नहीं तो मैं आ गया ऊपर बेला को नहलाने, और बेला को नहलाने में जो मज़ा आता है ना, क्योंकि उसके साथ साथ आधा मैं भी भीग जाता हूँ और फिर मन करता है छत पे नहा लूँ। अरे छत पे नहाने का मज़ा ही कुछ और है। कभी आपने भी नहाया है? नहाया है तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं तो बहुत नहाया हूँ। बेला को नहलाता हूँ और मैं नहाता हूँ, मगर ये सामने एक पेड़ आ गई है। देखो समय तो पास करने में बहुत कुछ होता है। दोपहर को सर ने एकदम से क्लास लगा दी और सर खुद आए नहीं। मैं बहुत देर तक वेट किया सर का, सर खुद आए नहीं। फिर सर का मेल आया थोड़ी देर पहले कि लाइक जब तुम लोग यहाँ पे जॉर्जिया आ जाओगे तब आके 5 क्लास में 5 लाइक क्विज दे देना, 5 क्विज का जितना ही बनता है वो सारे दे देना। तो हमने सोचा कि मैंने आरोप ने सोचा कि एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि सर ने बोला था, ये तो बात बोला था कि 5 क्विज देने हैं, मगर सर ने थोड़ी देर पहले फिर से एक नोटिस दिया कि
कि इन इन बच्चों को रोज़ क्लास आना है और 10 तारीख से पहले अगर क्लास नहीं आते हो तो उनका मतलब सेमेस्टर बैक लग जाएगा या फिर दोबारा इस सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने दोबारा कॉल किया और पता चला सब ओके है। कभी कभार कुछ नहीं, बस सर से बना के रखना भी ये बड़ी बात होती है। मतलब सिर्फ से पूछो, मेल करो, ये करो कि सर हमें प्रॉब्लम है तो नहीं आ सकता, अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो हम लोग आ जाते। तो सर मान गए और बोल दिया ठीक है, तुम लोग बाद में भी आना, जब भी आना तब आके टेस्ट दे देना, अभी तो तुम लोग बस पढ़ लेना जो जो मैं चीज़ लाइक मैं भेजते जा रहा हूँ। उन्होंने एक बुक भेजा है, 2-3 PDF भेजा है और PPT भेजा है, मतलब इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना तो आके तुम लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। बाय द वे मैं जो ये सेटअप है ये चेंज कर चुका हूँ, बैकग्राउंड में कुछ और ही आ रहा है, पहले कुछ और आता था और कुछ दिन की बात है, आज 3 तारीख हो गया, अब 6, 7, 8, 9, 10, 7 दिन की बात है, मतलब 10 तारीख को मेरी फ्लाइट है, निकल जाऊँगा। तो अभी का टाइम हो रहा है 8:30 और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा घूमने, क्योंकि 2 दिन से मैं घर से नहीं निकला था, अजीब ही फील हो रहा था। एक तो महेश भी नहीं है घर पे, शायद वो ऑफिस गया है चंडीगढ़ या कहीं पे, तो तब से लेके मैं भी घर पे ही बैठा हूँ। रास्ते हम चले से अब खाली है साथ तेरा छोड़ा, तन्हाई सारी है, दिन भी अब रात है, खुशियों को छोड़ के यादें जो बची है दिल को तोड़ दे। टूटे हम ऐसे कोई जोड़ा ना पा, दिल से बस आया तो था वैसे ही नॉर्मली, अब एकदम से बारिश चालू हो गई। यार बारिश कभी भी आ जाती है, अभी भी सुबह से दिखा रहे हैं कि बारिश आने वाली है और सुबह से बारिश नहीं आई और अभी एकदम से बारिश आ गई। मेरे को कहीं काम से जाना था इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं जाता ही नहीं, घर चला जाता। इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, वैसे सही है, हल्की फुल्की बारिश है, चलाने में मज़ा आता है ऐसे बारिशों में। कहाँ जा रहा था मैं, रोड बोल रहा हूँ, कभी कभार भूल जाता हूँ। आजकल प्रोडक्टिव डे बहुत अच्छे से हो रहा है, लाइक सुबह उठो, कुछ खाना पीना घर वाले बना देते, फिर पढ़ाई करने बैठो, फिर थोड़ी देर में फिर से घर वाले कुछ खाना पीना बना देते, पढ़ाई कर लो, फिर थोड़ा सा दोपहर का सो लो और उसके बाद उठ के फिर से पढ़ाई कर लो। मतलब ऐसे अगर प्रॉपर पढ़ा जाए तो 8 से 10 घंटा आराम से घर पर निकाल सकते हैं, और जो कि ना मेरे को अभी तक निकल नहीं रहा है, 6 घंटे हो रहा है, पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे को और भी थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। ओहो, पहुंच गए। लो आते टाइम फंस गया भाई, बहुत गंदा जाम लग रहा है, बहुत गंदा जाम में फंस गया। हमें जाना है वो जो बिल्डिंग दिख रही है आगे, वो वाली बिल्डिंग, वहाँ जाने हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जाम भरा हुआ है। बारिश शुरू हो गई फिर से, 2 मिनट के लिए बारिश बंद हुई थी, अब फिर से बारिश चालू हो गई। कुछ कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, पता नहीं कैसे फरिश्ता बन के टाइप के आ जाते हैं, इतना जाम लगा हुआ है, अब जाम धीरे 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 खुलने लगी है। क्यों? दो लोग सबसे पीछे वाला गाड़ी से आए, आके खुद से हेल्प करने लगे, ना कोई ट्रैफिक वाला, ना कोई पुलिस, ना कुछ भी, ना ये सरकारी बंदे, अपने से आए कि कैसे ट्रैफिक को जल्दी से जल्दी खोला जा सके। ये लोग बारिश, बूंदाबांदी बारिश हो भी रही थी और उसके बीच में बाहर आके ये लोग अपना अपना काम करने लग गए। ऐसे लोग अगर है ना तो फिर जाम नहीं लग सकता है, और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल आप भी हो जाओ। अगर कोई वीडियो देख रहा है, गाड़ी चला रहा है, आप अगर लेफ्ट से जा रहे हो लेफ्ट में ही रखो, कि ऐसे नहीं कि शॉर्टकट लेके राइट से उसके साइड से निकल जाऊंगा और सुर आगे निकल जाऊंगा, नहीं ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये जो सामने लाल वाला गाड़ी जा रहा था, ये मेरे राइट साइड से कहीं से घुमा के लाया, और बहुत देर तक इस गाड़ी ने और इसके सामने और एक स्कॉर्पियो था, ये दोनों गाड़ी ने फंसा रखा था। अगर ऐसे ही गाड़ी चलती रही तो फिर कैसे लोग चलेंगे? आप देखो ये एक गाड़ी निकल गई, सारे बाइक वाले निकल गए, आधा रास्ता था यही क्लियर हो गया। बस ऐसे लोग रहते हैं कि कहीं से भी घुसा देते हैं, उनको गाड़ी चलानी आती भी है, रूल रेगुलेशन सब पता है, मगर उस टाइम पे पता नहीं जब गाड़ी चलाते तब भूल जाते हैं। रात के अभी 11:30 टाइम हो रहा है और ऐसा लग रहा है बाहर बारिश हो रही है। हाँ मस्त बारिश हो रही है, पानी में दिख रहा है। अरे मौसम ठंडा हो जाएगा आज तो, मस्त रात को नींद आएगी, मगर इतनी भी ज़्यादा बारिश भी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, देख लेता हूँ। हाँ हल्की फुल्की बारिश हो रही है,
कोई नहीं, इतनी बारिश तो होना चाहिए, थोड़ा ठंडा रहेगा मौसम, ठंडा हो जाए रात को सोने में मज़ा आएगा। रात के 11:30 बजे, और अभी मैं शायद इसको एडिटिंग पे लगाऊंगा जो कल शूट किया था, और वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि आजकल एडिटिंग बनी बहुत फास्ट हो चुकी है। सो इसको लगाते हैं थोड़ा सा टाइम लैप्स पे, टाइम लैप्स अब देखते रहो टाइम लैप्स, और मैं तब तक बना लेता हूँ। I was walking in the darkness, searching for the dawn. Lost in my own footsteps, wondering where I'd gone wrong. Every road led nowhere. बहुत देर से रात को लाइट नहीं थी, इतने रात का भी लाइट, एक भी इसको अभी लाइट आई है। तो अभी शायद मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगा, और मैं तब से एडिट भी नहीं किया था, पढ़ रहा था, क्योंकि एडिट करने के लिए मैं प्लग भी लगा के मतलब एडिट करता हूँ, तो फिर थोड़ा फास्ट होता है। तो देखा कि नहीं है तो छोड़ो, पढ़ाई कर लेते, अभी पढ़ाई कर लिया, अभी एक पीस पे एडिट करने लग रहा हूँ, और ख़त्म होते होते पता नहीं कितना बचा है। चलिए यहाँ तक देख लिया, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, खुश रहना, खुश रखना, बाय बाय। I was walking in the darkness, searching for the dawn. Lost in my own